नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। खबर जनपद गोंडा से। कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को रुपईडीह ब्लॉक मुख्यालय पर चार प्रत्याशियों ने ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए नामांकन किया। नामांकन परिसर से दूर रखा गया मीडिया कर्मियों को, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था। ब्लॉक रुपईडीह में प्रमुख पद के लिए नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर नामांकन किया, जिसमें सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबीता सिंह, पत्नी महेश सिंह, भाजपा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरोज तिवारी, पत्नी राकेश तिवारी, निर्दलीय प्रत्याशी अनारा सिंह, पत्नी फतेह बहादुर सिंह रानी, पत्नी अजय कुमार ने नामांकन किया। पूरा ब्लॉक परिसर छावनी में तब्दील रहा और कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। लोगों में चर्चा का विषय पर निष्पक्ष नामांकन किया गया तो मीडिया कर्मियों को ब्लॉक परिसर में क्यों नहीं घुसने दिया गया, यह लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। और वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी गई, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष शारदा कांत पांडे व कटरा विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद कुमार शुक्ला, भाजपा नेता राकेश तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष त्रिपाठी आदि भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं सुरक्षा के लिए क्षेत्राधिकारी सदर लक्ष्मीकांत सौरभ पांडे, थाना अध्यक्ष कौड़िया चितवन कुमार, खरगुपुर अशोक कुमार, चौकी प्रभारी आर्यनगर अजय पांडे, चौकी प्रभारी पिपरा बाजार अभिषेक मिश्रा, शरद अवस्थी, दिवाकर मिश्रा, विनोद पांडे रहे। गुना से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। आज आपने नामांकन किया है ब्लॉक प्रमुख के लिए, कौन किया है? हमने नहीं किया है, हमारी पत्नी ने किया है, श्रीमती सरोज तिवारी। तो आगे क्या रणनीति है? आगे चुनाव हो रहा है। अगर इस बार आप जीतेंगे तो क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे? यहाँ लड़ाई सुदेशी बनाम विदेशी है। एक तरफ हम लोग क्षेत्र में हैं, एक तरफ 80 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति दूसरे क्षेत्र से आया है, उसको क्षेत्र के पद क्या लगाव है, क्षेत्र की जनता से क्या सम्मान है। और 10 साल वो यहाँ रहे हैं, लेकिन 10 साल में एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जिस गांव में एक रुपये काम उन्होंने किया है। तो आपका मुद्दा क्या है? विकास और जनप्रति का सम्मान। नामांकन किया है, कैसा नामांकन है, कौन कौन नामांकन किया है? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सरोज तिवारी जी का नामांकन था और हम सभी लोग बहुत जोश और खरोश के साथ में नामांकन के लिए आए हैं। और पूरा भरोसा है कि रुपईडीह ब्लॉक, जिस पर भ्रष्टाचारियों ने सपा के सरकार में कब्जा कर रखा था, अब हम लोगों की सरकार है, हम लोग उसको जीत करके विकास की धारा जो है रुपईडीह ब्लॉक खंड में रहेगी। अब रुपईडीह विकास खंड का हर गांव इस विकास से लाभान्वित होगा। तो आप लोगों का मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है बाहरी बनाम रुपईडीह का मूल निवासी। रुपईडीह में 60 किलोमीटर दूर का प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ने आता है तो रुपईडीह वाले इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। तो आप जीतेंगे तो क्षेत्र में क्या क्या करेंगे? हमारा प्रत्याशी अगर जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है सबका साथ सबका सम्मान सबका विकास, उसी एजेंडे पर चलते हुए गांव गांव का विकास होगा, घर घर का विकास होगा, जो पिछले 10 वर्षों से रुका हुआ है। धन्यवाद।